तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं कार फोर्स सेल सिमुलेटर 2023। और भाई मैंने तुम्हें कहा था कि एक सरप्राइज होगा वीडियो में, तो भाई मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये वाली गाड़ी मैंने नहीं खरीदी है इस गेम में। और भाई तुम्हें आज गाड़ियों की वो दिखाता हूँ, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, और ये तीसरी, और ये चौथी, और भी भाई अभी स्टार्ट हुए हैं, ये पाँचवीं और ये छठी। और तुम्हें आगे दिखाता हूँ, इधर भी रुक जाओ भाई, फटाफट चल रही स्पीड नहीं बढ़ रही, पता नहीं क्या हो गया इसमें। और ये पाँच दिखाएंगे ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गाड़ी गए यहाँ पर है। और भी भाई जो मैंने घर दिखाया था तुम्हें $10,00,000 वाला है, उसमें भी एक गाड़ी, रुक जाओ वो तुम्हें दिखाऊंगा। और भाई मैंने एक सुपर कार भी ली थी, रुक जाओ पहले मैं ब्लैक वाली में जाऊँ या मर्सिडीज़ में जाऊँ अपनी वाली, और मर्सिडीज़ में नहीं, मैं अपनी ब्लैक वाली गाड़ी में जाऊँगा। और भाई आज जो मेरा मेन काम है ना भाई, मेरे को अपना जो शोरूम है भाई उसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि कैसे वो अभी छोटा है तो ज़्यादा गाड़ी आ नहीं पाती, पर ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा कोई बड़ी वाली गाड़ी आ गई तो कोई एक आधी ही घुस पाएगी ढंग से, नहीं तो उसको बीच बीच आके मेरे को डालना पड़ेगा, इसमें टूट फूट जाती है। और भाई इस गाड़ी की तो मैं स्पीड दिखा रहा था, और भाई स्पीड मस्त है इस गाड़ी की, और ये गाड़ी जो है भाई थोड़ी सी मशहूर सी भी है, क्योंकि कैसे अगर तुमने गुरु नंदा गाना होगा तो उसमें भी यही थी, अगर देखा हो तो तुमने, गाने का नाम भूल गया मैं। तो भाई 15वीं गाड़ी, 16वीं गाड़ी और ये 17वीं गाड़ी, तो गाइस पूरी की पूरी 17 कार्स भाई मेरे पास अभी पड़ी है। और गाइस एक तो भाई मेरे पास स्पोर्ट्स कार भी, और भाई तगड़ी कार है भाई, रेस वाली है एकदम मस्त, पर अभी बुगाटी नहीं आई भाई, बुगाटी भी जल्दी आएगी। और भाई मैकलेरन, और भाई मैंने इसमें लैम्बो भी खरीदी थी, पर लैम्बो अब नहीं खरीद पाया, अगर खरीद लेता बट मेरे पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे, और जिस टाइम पर थे अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसकी स्पीड देखते रहो भाई, इतनी स्मूथ चलती है ना, 100 किलोमीटर पर हार पर भी भाई देख लेना कितनी स्मूथ चलेगी वो। तो क्या इसमें ऐसा है नहीं ढंग से, इसको वो नहीं कर सकते हम, लंबा रास्ता नहीं है, नहीं तो भाई तुम्हारे पास कहाँ ले जाता है इसको, मेरे को खुद नहीं पता भाई सही में। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने ऑफिस पे, मतलब अपनी पार्किंग पे, अपनी ऑफिस की पार्किंग पे, और अब जाऊँगा शायद मैं पहले इसको पहले एक्सपेंड कर देते, तो तुम देख सकते हो अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा छोटा सही है, बट भाई तुम्हारे पास उसको अपग्रेड कर देगा और उसमें $60,000 लगे, मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, हम और भी करेंगे क्योंकि अपना बिजनेस बढ़ाना है तो भाई इतना करना पड़ेगा। भाई तुम लोग देख सकते हो $60,000 वाला अब आ चुका है, तो क्या जी हमने ऑन भी कर लिया है, तो तुम देख सकते हो सरफेस कितनी जल्दी बढ़ गया है, तुम देख सकते हो सरफेस बढ़ चुका है, तो गाड़ी ज़्यादा खड़ी हो सकती है, ये तुम देख सकते हो भाई, तो ख़त्म नहीं हो रहा था भाई, मैं अभी सोच रहा है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, नहीं तो अब तक दिया ना जाता है भाई यहाँ पे। तो भाई अभी चलते हैं और गाड़ी खरीद के लाते हैं, और भाई अपने बिज़नेस का शुभारम्भ करते हैं। और भाई इस वाली गाड़ी में जाऊँगा मैं अपनी सुपर कार में, अरे सुपर कार मस्त है भाई, देखने में एकदम तगड़ी वाली लग रही है, और भाई देखने में नहीं है एक्चुअली में है भी तगड़ी वाली, इसकी दोबारा स्पीड तो मैं कराता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ कार मार्केट पे, और गाइस मार्केट में आई है मैकलेरन जो कि हमारे उससे बाहर है औकात से इस गेम में, अभी के लिए नहीं, मतलब अभी के लिए ही है, बाद में मैं सब खरीद दूँगा बट अभी तो नहीं खरीद सकते। गाइस बुगाटी चिरोन ये कितने की है भाई, 34,51,000 भाई साहब, इसमें तो भाई मैंने अभी तक मिल के कमाया नहीं होगा, मतलब पता नहीं कमाया कि नहीं कमाया, और 1,00,000 की गाड़ी मैंने बहुत बेची है भाई इसमें, तो कमा ले। तो कहते हैं मर्सिडीज़ ले लेते हैं हम, G63 मतलब जी वैगन, तो अब इसको $90,000 में डन कर देता हूँ मैं, $90,000 में, तो चलो भाई ये इसको मैं चला के लेके जाऊँ, कहते हैं बहुत भारी है इतनी स्पीड में नहीं चलते हो भाई, ये वाली गाड़ी सारी है भाई, ये भी है मेरे पास, ओडी भी है भाई, R7 होगी, R5 है, R5 भी, R7 भी है, दो ओडी है भाई, R5 और R7, ये भाई 50,000 में नहीं मान रही, और मेरे पास 50,000 ही है इस टाइम पे। चलो कोई नहीं, थोड़ा ढूंढा ढांडी करते हैं और उसके बाद में मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ, और इसको गाड़ी को मैं पहले लोड करा देता हूँ। इसमें देखो टो कराने के ना पैसे नहीं देने पड़ते, ये गाड़ी ले लेते हैं हम स्पोर्ट्समैन से, क्या है भाई टायोस, ये भी मैं इसको मस्त लगते हैं, टायसोटा MK4, अरे टोयोटा की कोई M4 होगी, MK4 जो भी है वो है ये, और कैसे बहुत पुरानी से सस्ते में मिल गई भाई मेरे पास इसका ना एकदम न्यू वर्जन, और एकदम 0% डर्ट 0% डैमेज वाला वो भी है, और भाई वो मैं इसको सफ़ेद ही रखूँगा तो और वाइट कर दूँगा, या मैं उसकी कलर चेंज कर दूँगा। तो भाई मैकलेरन इतनी तगड़ी लग रही है ना भाई, मेरा मन कर रहा है इसको ख़रीदने का, अभी चाहूँ ना मैं सारी गाड़ी खरीद के मैकलेरन आराम से ख़रीद लूँगा, इतना पैसा हो मेरे पास है अभी भी, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, गाड़ी है उतने पैसे की, जितने भाई पैसा उसको ख़रीदने में चाहिए, पर वो गाड़ी अगर मैं उस गाड़ी को बेचता हूँ ना तो तुम लगा सकते हो 34-35 लाख की बुगाटी आती है तो मैं 60-65 लाख डॉलर कमा सकता हूँ भाई, तुम देख सकते हो कितना पैसा, तो रिपेयर करने के भी पैसे नहीं है, वॉश करके काम चलाना पड़ा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई,
हमारा भाई सब कर लेगा। और अभी भाई इसको जाके फटाफट लगाते हैं अपने नए वाले शोरूम में, मतलब शोरूम तो क्या नया हुआ है, बस एक्सपेंड हो चुका है और थोड़ा बड़ा हो गया, बाउंड्री बड़ी हो गई, इसमें ज़्यादा गाड़ी आ जाएगी, बस इतना कुछ हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा देखा भी नहीं कह सकते भाई। ये जी वैगन भी वाइट कलर की हो चुकी है, अब मैंने कलर नहीं बदला, इसका कलर अपने आप उड़ जाता है। तो भाई आज तक की मेरी कमाई देखी तुमने 50 लाख, भाई साहब नहीं देखी हो तो भाई तुम दोबारा पीछे करके देख लेना भाई, मैंने स्किल्स कर ली है कि अब मैं हो चुका हूँ उसमें प्रो, अब भाई मेरे को ना इसमें क्या है अच्छे अच्छे दाम मिलेंगे इसकी वजह से। और भाई 170,000 में मैंने ये बेची, वैसे मेरा प्राइस था 2 लाख और इतने में कोई ख़रीद नहीं रहा था, इसको देख लेते ये 1 लाख की मैंने खरीदी थी, 1 लाख की बेचना चाह रहा हूँ मैं इसको, तो उसमें 90,000 में बेच दूँगा उसको, वैसे बड्डे को ही बेची थी मैंने। और अब भाई मैं जाऊँगा दोबारा से अपने घर जाने वाला, क्योंकि भाई रात होने वाली है सोते यहाँ जाके, और वो घर गए तभी मेरा हुआ नहीं है, बट भाई इसमें कोई रहता नहीं है। और भाई तो मैंने ये वाली गाड़ी दिखाने वाला हूँ, ये इतनी मस्त चलती है ना, एक तो भाई देखो सस्ती गाड़ी है, बर्गर से इतनी तगड़ी गाड़ी है ना, तुम एक स्पोर्ट्स कार में और इसमें रेसिंग तुम फ़र्क नहीं बता पाओगे, स्पोर्ट्स कार है या नॉर्मल कार है भाई, देख रहे हो स्पीड देखो इसकी, ऐसे नहीं लग रहा कोई भाई नॉर्मल कार ऐसे दौड़ ही नहीं सकती, एकदम सुपर कार की तरह ये दौड़ती है भाई, तुम देख सकते हो, इसलिए मेरे को बड़ी पर्सनली अच्छी लगती है ये। तो भाई मैं अभी सो के उठ चुका हूँ, मतलब वो वाला सीन मैंने दिखाया नहीं, लंबी हो जाती वीडियो। और वैसे तुम्हारे भाई इसके पास मर्सिडीज़ की एस क्लास भी है, और भाई सारी गाड़ियाँ मैंने तुम्हें पहले बता दी थी कि भाई मैंने हर एक तरह की गाड़ी खरीद रखी है, तुम इसकी लुक देख सकते हो एकदम रियल वाली मर्सिडीज़ की तरह ही है, एक दिन भाई ये भी होगी, और रियल में बोल रहा हूँ भाई, फेक में नहीं, वो ये में तो मेरे पास अभी भी है, बट रियल में चाहिए मेरे को ये, ऐसी पूरा शोरूम खोल दूँगा मैं। तो चलो भाई निकलते हैं अभी अपनी मर्सिडीज़ एस क्लास लेके, और भाई इतनी मस्त मस्त गाड़ी इसमें चलाने में मिल रही है ना भाई, इसको सही में मैं इस गेम में बोला मुझे मस्त लगता है, इसको गेम खेलने में इसमें से आप सारी अपनी गाड़ी जो तुम्हें भाई चाहिए ना फ्यूचर में तुम चलाना चाहते हो भाई सब है, प्रेजेंट में भी चला सकते हो, फ्यूचर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए तो तुम प्रेजेंट में भी चला सकते हो, और मिलनी चाहिए ना वो बात अलग है। और इसमें ना तुम सब ड्राइव कर सकते हो, मैकलेरन, बुगाटी, रोल्स रॉयस की कमी पड़ गई, मतलब रोल्स रॉयस इसमें होती ना, क्या पता यार आने वाले अपडेट में रोल्स रॉयस को भी डाल दिया जाए, बट यार ये रोल्स रॉयस को कैसे भूल सकते हैं भाई, इतनी तगड़ी गाड़ी, उसके जैसी तगड़ी गाड़ी भाई कोई नहीं हो सकती, मैं पहली बार आ रहा हूँ उसमें, बस इसमें सारी गाड़ी है। और भाई ये वाली मैंने करा ली थी, वो करा ली थी कहते हैं वहाँ से टो करा दी थी। और गाइस अब मैं तुम्हें इसमें दिखाने वाला हूँ अपने शोरूम में, इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी, मतलब इसमें कूड़ा कबाड़ा भी पहले आ चुका है, देख सकते हो भाई तुम लोग कूड़ा कबाड़ा भी आ चुका है। तो गाइस ये हो चुकी है भाई मेरी सारा शोरूम। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, आपको वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय। भाई ये है मेरा शोरूम और ये है मेरी गाड़ियाँ।